हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल नोइट। इस बार की जो वैकेंसी वो है दिल्ली पुलिस में। यहाँ पे ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर इन दिल्ली पुलिस। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन। तो इसलिए मैंने इसके जो की पॉइंट्स है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैंने वर्ड में लिख रखे हैं। तो चलिए वर्ड्स में चलते हैं। जैसे कि अभी देखिए, वर्ड में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपनिंग डेट जो है वो 28/12/2019 है, और जो क्लोजिंग डेट है इसका वो है 27/1/2020। इसका जो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम रहेगा वो बाद में अनाउंस करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट में। और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है 223 है, और उसमें मेल ओपन के लिए 134 वैकेंसी है, फीमेल में जो ओपन कैटेगरी है उसमें 67 वैकेंसी है। और यहाँ पर जो आपका पे रहेगा वो रहेगा आपका 25,500 से लेके 81,100 तक का रहेगा आपका, एज पर 7th पे। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो सिर्फ 100 रुपीज़ है, और जो एज लिमिट जो दे रखे हैं यहाँ पे वो है 18 to 27 ईयर्स फॉर यू आर एंड ई डब्ल्यू एस के लिए एज ऑन 1/7/2019। और एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो एस सी एस टी है उन लोगों के लिए। और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो मांगा है वो है 10+2, पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद साइंस एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर उनके पास NTC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट जो है वो है इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड जो होनी चाहिए वो है 1000 की इन 15 मिनट्स होना चाहिए आपका, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फंक्शन होना चाहिए, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ PC, प्रिंट MS, ऑफिस यूसेज, सेविंग एंड मॉडिफिकेशन इन टाइप टेक्स्ट, पैराग्राफ सेटिंग एंड नंबरिंग ETC, मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, तब आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगा है पहले आप CBT पास कर लें, ये ऑब्वियसली ये तो इजी है, हो जाएगा आराम से। और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है, यहाँ पे आपका CBT जो रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। फिर उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। फिर उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है। फिर उसके बाद टेस्ट इन प्रोफेंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन है, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है। फिर आपका यानी कि जो सिलेक्शन होगा मेनली बेस्ड ऑन CBT के ऊपर रहेगा, और जो आपका CBT रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। तो उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे, और 90 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन रहेगा। जो क्वेश्चंस जो होंगे वो जनरल अवेयरनेस से 20 आएंगे, जनरल साइंस से 25 आएंगे, मैथमेटिक्स से 25 आएंगे, रीजनिंग से 20 आएंगे, और कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आएंगे। और फिजिकल स्टैंडर्ड आप ऑफिशियल वेब नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं, और भी आपको डिटेल में जानना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा अप्लाई करने की, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की आप जाके देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ। थैंक यू।